बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 21 मार्च 2022 एंड इट इज़ मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन जो है मार्केट की जो है वो क्या पोजीशन रही, जैसे यहाँ पर जो है हम लोग ओपन कर लेते हैं ख़ास तौर पर आज के दिन मार्केट की पोजीशन, ओवरऑल जो है ना रिव्यू ले लेते हैं, तब तक जो है ना मेंबर्स भी काफ़ी ज्वाइन हो जाएंगे हमारे साथ। यहाँ पर जो है ना सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि जो KC 100 इंडेक्स है आज के दिन जो है इसकी क्लोजिंग हुई 43,230, तकरीबन 200 पॉइंट जो है आज के दिन मार्केट प्लस क्लोज हुई है। यहाँ से मार्केट ने आज के दिन ओपनिंग ली थी, ओपनिंग के साथ ही जो है ना इसके अंदर आज सुबह सुबह ही तेजी देखी गई और तकरीबन पहले 5 मिनट के अंदर अंदर ही मार्केट ने तकरीबन अपना हाई लगाया। ये दैट वाज 43,340 के राउंड अबाउट। ये फिर थोड़ा सा जो है मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखा, लेकिन फिर मार्केट ने अपने लेवल को सस्टेन किया और चलते चलते करते करते आखिरी जो है तकरीबन जो टाइम आ रहा है मेरे पास 2:48 के बाद थोड़ी सी मार्केट के अंदर जो है वो फिर सेलिंग देखी गई और इंडेक्स जो है वो ज़रा नीचे आ गया। यानी हुआ तो पॉजिटिव क्लोज है, लेकिन यहाँ से थोड़े से पॉइंट ही नीचे गिरे ये। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्लोजिंग जो हुई मार्केट की 43,230 के राउंड अबाउट। ये आज के दिन वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो एज यूजल जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर जो है वो ना होने के बराबर है। 48,062 का वॉल्यूम जो है, यानी मिलियन का वॉल्यूम जो है, 48 मिलियन के राउंड अबाउट जो है ये वॉल्यूम आज के दिन जो है वो देखा गया। ये जो हम बात करेंगे एवरेज से भी काफ़ी लो वॉल्यूम होगा। ये आज के दिन वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें खास तौर पर SMBL जो है, समिट बैंक, आई थिंक हम नेटवर्क, इसके अलावा WTL, ट्रीट कॉरपोरेशन और एग्रो फर्टिलाइजर जो है वो शामिल है। ये SMBL के अंदर हमने तेजी देखी, हम नेटवर्क के अंदर तेजी देखी 3.82, WTL ट्रीट के अंदर थोड़ी सी सेलिंग देखी हमने, और एग्रो फर्टिलाइजर के अंदर 0.25% का हमने जो है वो इजाफा देखा। ये लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट जो है इन्होंने कोई अपडेट नहीं किए खास जो है ना आई नहीं होंगे। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स की बात करते हैं, कल के दिन बोर्ड मीटिंग है पार्क सुजुकी मोटर की, इसके अलावा EFG हरमीज पाकिस्तान लिमिटेड की, इसके अलावा जो है सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट की सिल लिमिट, बस ये तीन कल की बोर्ड मीटिंग है, बाकी हम इनको बाद में देखेंगे कि क्या पोजीशन रहती है ये। इसके अलावा जो है आज के मार्केट में खास तौर पर मार्केट का जो ओवरव्यू है वो हम कर लेते हैं कि मार्केट का इंडेक्स का जो ओवरव्यू है वो क्या कह रहा है ये। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि आज के दिन काफ़ी तेजी रही मार्केट के अंदर, और जो मेन तेजी की जो मेन रीज़न थी वो किन सेक्टर की वजह से थी। खास तौर पर हमने ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर की जो है वो अच्छी खबर सुनी PPL और JDC की, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी तेजी देखी गई। यहाँ पर जो है टोटल वॉल्यूम ये हमें नज़र आ गए, आज के दिन 50 कंपनियाँ ऊपर गई और 38 कंपनियाँ जो डाउन रही, और तकरीबन 12 कंपनी के अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस, तकरीबन इनके अंदर कोई चेंजिंग हमें नज़र नहीं आई है। KC 100 इंडेक्स ओवरऑल जो है वो ग्रीन है। इसमें खास तौर पर जो अगर हम देखें कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक में आज अभी बैंक ने और MCB बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया, UBL, मिजान बैंक, बैंक अलबीब ने जो है वो नेगेटिव परफॉर्म किया। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करते हैं तो एंग्रो ने नेगेटिविटी दिखाई, फौजी फर्टिलाइजर और एंग्रो फर्टिलाइजर जो है लिमिटेड ने जो है वो बेहतर आज परफॉर्म किया। ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में खास तौर पर OGDC, इसने इंडेक्स को तकरीबन 14 जो है ना 0.99 पॉइंट इसने इसके बढ़ाए, और PPL की बात करते हैं तकरीबन 15.17 पॉइंट इसकी वजह से बढ़े। इसके अलावा मारी पेट्रोलियम ने भी इंडेक्स में पॉजिटिविटी क्रिएट की, पाक ऑयल फील्ड जो है इसने थोड़ी सी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर क्रिएट की। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट में जो से जिसका सही वेटेज है लक्की सीमेंट ने तकरीबन 37.76 पॉइंट आज के दिन मार्केट के अंदर जो है इसने गेन दिखाया। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज सेलिंग रही, तकरीबन सिस्टम हो गया, TRG हो गया, इसके अंदर हमने सेलिंग प्रेशर देखा। इसके अलावा पावर जनरेशन में हबको और जो ना इसने अच्छा परफॉर्म किया। ये ऑटोमोबाइल असेंबलर में जो मिलर ट्रैक्टर है उसने अच्छा जो है वो पॉजिटिव गेन दिखा, और इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में PSO जो है वो आज के दिन बेहतर आई है। एवरेज वॉल्यूम की बात करते हैं, तकरीबन आज के दिन जो वॉल्यूम है 48 मिलियन के राउंड अबाउट का हम देखा गया, जो एवरेज 5 दिन का जो एवरेज है उससे लो वॉल्यूम हमने देखा। जो एवरेज जो चल रहा है हमारे पास तकरीबन 62.6 मिलियन का जो है वो एवरेज चल रहा है, ओवरऑल एवरेज भी जो है हमारी मार्केट का जो है वो लो है ये। इसके अलावा जो है जो मेन कंट्रीब्यूटर थे आज की मार्केट में पॉजिटिविटी में, जिनमें FFC, अभी बैंक, लक्की सीमेंट, इसके अलावा दाऊद जो है वो हरक्यूल्स,
PPL, OJD, CMCB, Upper Laboratory Hub को, PSO, INIL, EPCL, 84 फातिमा और मेपल लीफ ने आज अच्छी कंट्रीब्यूशन की। इन सारे बड़े बड़े हैवी वेटेज, ये सारे हैवी वेटेज, FMC हो गया, अभी बैंक, लक्की दाऊद, ये PPL, OJDC, ये सारे जो टॉप के 5 नजर आ रहे हैं, सारे हैवी वेट ड्यूटीज है। जब ये चलते हैं तो इंडेक्स लाजमी पॉजिटिव भी आपको नजर आएगा। ये नेगेटिव कंट्रीब्यूटर में UBL रहा, बैंक अभी, इसके अलावा HMB जो है अभी, मेट्रो बैंक, इसके अलावा जो है आदमजी इंश्योरेंस, TRG, पोल, मिजान बैंक, इनका इतना वेटेज नहीं है। पोल का वेटेज काफी है, ये इंडेक्स को काफी ऊपर नीचे कर सकता है। ये ओवरऑल जो है हमने आज के दिन मार्केट के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी ही देखी है। सेक्टर का अगर ओवरव्यू कर लेते हैं कि सेक्टर में जो है खासतौर पर किस में ज्यादा काम जो है वो आज के दिन देखा गया और जिसकी वजह से इंडेक्स पर फर्क पड़ा। ये आज के दिन ज्यादा काम जो है वो फूड एंड पर्सनल केयर में, यानी 1.24% का गेन इनके अंदर देखा गया। इसमें ज्यादातर जो है वो यूनिलीवर और ये बड़े बड़ी कंपनी अरफान मेस और FCEPL, इसके अंदर ज्यादा काम जो है वो देखा गया। ये फर्टिलाइजर तक सेक्टर जो है ना, सेक्टर ने भी 1% जो आज के दिन गेन दिया, जैसे भी हम बात कर चुके हैं, जिसमें खास पर FFC और एफर्ट ने जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर जो है आज के दिन रही। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर हम लोग इंजीनियर कंपनी की बात करते हैं, तो पिछले 2-4 दिन से हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग कंपनी जो है, जो स्टील की जो कंपनी है, उसके अंदर काफी तेजी देखने को जो है वो मिल रही है। जैसे मुगल स्टील ने काफी अच्छा बाउंस बैक किया, इंटरनेशनल स्टील में तेजी देखी जा रही है, INIL काफी डिस्काउंट रेट बढ़ाया होता है, इस तरह से उसकी परसेंटेज के अंदर भी इजाफा होता जा रहा है। बाकी जो है आगा और ASL और अमरेली ने इतना अच्छा जो है वो परफॉर्म नहीं किया। ये कुछ जो है वो नेगेटिविटी में भी देख लेते हैं। इसके अलावा ये 1.63% जो है वो लेदर एंड टैनरीज का जाता है ये, और नेगेटिव में वुलन जो है, वुलन के अंदर जो है वो आज परसेंटेज काफी सेलिंग देखेगी, जिसमें खास तौर पर वुलन जो है वो सरे फेरिस जो है वो शामिल है। ये मार्केट मैप को भी देख लेते हैं कि आज के दिन मार्केट मैप जो है वो क्या कह रहा है। ये मार्केट मैप जो है ओवरऑल जो आज के वॉल्यूम लीडर्स में शामिल है जो है ना, जो स्टॉक्स के खासतौर पर, ये लार्ज जो गैस को हम लोग मिनिमाइज ही कर लेते हैं, जिसमें हम नेटवर्क जो है ये, यानी कि काफी डिस्काउंट रेट पर आया हुआ था, 6.5 रुपए से नीचे जो ट्रेड कर रहा था और अच्छे बाइंग जोन में था, इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ऐसा ऐसा दोबारा ये रिकवर हो रही है। WTL जो है IT सेक्टर ओवरऑल प्रेशर में है, जिसकी वजह से WTL भी काफी हमें प्रेशर में नजर आ रही है। समिट बैंक जो है तकरीबन आज इसके अंदर काफी तेजी हुई, शायद इसकी कोई न्यूज आने वाली होगी या कोई न्यूज का चक्कर होगा, जिसकी वजह से आज ये तकरीबन 22.75% जो है इसके अंदर इजाफा देखा गया। ये माजी में तो इसकी खबरें चल रही थी कि कोई ना कोई बड़ा बैंक जो है इसको लेने जा रहा है, जब वो अभी बैंक होगा या MCB होगा ये इसको, इसके या बैंक अल्फरा होगा ये। इसके अलावा TRG में, टैली में, ट्रीट में, एग्रो फर्टिलाइजर में, ई एफर्ट एफर्ट जो है एफर्ट में तो पॉजिटिव देखेगी, ट्रीट, टैली और TRG इसमें जो है ना हमने नेगेटिविटी देखी। FFL जो है 0.13% इसके अंदर इजाफा देखा गया, यूनिटी 0.5% इसके अंदर डिक्लाइन, OGDC, PPL इसके अंदर हमने आज के दिन तेजी देखी, निशाद जूनियर के अंदर हमने तेजी देखी, के इलेक्ट्रिक के अंदर हमने जो है ये भी काफी डिस्काउंट रेट पर आया हुआ, 3 रुपए से नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छा रेट है इसका ये लेने वाला ये। इसके अलावा जो है कुछ और स्टॉक को देख लेते हैं यहाँ पर, अगर कोई निशाद जूनियर जो है ये भी टेक्सटाइल सेक्टर का अच्छा स्टॉक है, ये भी 50 रुपए से नीचे नीचे काफी अट्रेक्टिव है, इसको भी लिया जा सकता है ये। ओवरऑल जो है अगर ये पावर सीमेंट, सीमेंट में जो है पावर भी काफी डिस्काउंट रेट पर आया हुआ है, 6 रुपए या 6 रुपए से नीचे ये काफी अट्रैक्टिव है, इसको लिया जा सकता है ये। इसके अलावा जो है ये कुछ और देख लेते हैं जी, ये कुछ और ऊपर हो गया। ओवरव्यू में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को भी देख लेते हैं कि आज के दिन जो है किसने जो है वो बाइंग की और किसने सेलिंग की आज के दिन। ये आज के दिन जो है अगर हम लोग नेट डाटा की बात करते हैं तो फॉरेन की तरफ से मुसलसल जो है वो सेलिंग नजर आ रही है, और मेन रीजन ये होगी कि फॉरेन को वो देख रहा होगा कि हमारे मुल्क के हालात जो है वो कैसे चल रहे हैं, उन हालात के पेश नजर जो है इसने अपना माल जो है यहाँ से निकाल रहा होगा ये, और ये काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि ये पैसा जो है वो निकाल ही रहा है ये। फॉरेन में जो है ज्यादातर फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से सेलिंग देखेगी, ओवरसीज पाकिस्तानी ने ओवरऑल जो है वो थोड़ी बहुत बाइंग की। लिपि की बात करते हैं, लोकल में ओवरऑल जो नेट बाइंग हमें 248 जो है ना ये मिलियन डॉलर की जो है हमें बाइंग नजर आई है। इसके अलावा जो है जो ओवरऑल सेलिंग जो नजर आई, बैंक्स ने आज के दिन सेलिंग की, इंडिविजुअल ने सेलिंग की, कंपनीज ने बाइंग की, NBFC ने, म्यूचुअल फंड ने, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने, बैंक प्रॉपर्टी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने, ओवरऑल जो है ये सेलिंग की। सिर्फ आज के दिन अगर कोई सॉरी बाइंग की इन्होंने, और सेलिंग अगर किसी में देखी गई तो वो सिर्फ बैंक्स है, और इंडिविजुअल में हमें जो है वो आज के दिन ओवरऑल सेलिंग देखी गई है। इसके अलावा जो है जो इंडेक्स को ही अगर हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये KCNN इंडेक्स जो है ये आपके सामने ओपन है, ओवरऑल जो है ये डे ये सॉरी ये हमारे पास ये मैंने OJDC देख रहा था, ये KCNN इंडेक्स की बात करते हैं,
केसीएन इंडेक्स जो है फिलहाल जैसे हमने देखा कि यहाँ से मुसलसल जो है ये डाउन ट्रेंड इसका चल रहा था, फिलहाल इसने ये लेवल जो है थोड़े से यहाँ पर सस्टेन किए हुए, ये यानी ये इसकी होगी प्राइस वाइज करेक्शन। और ये जो थोड़ा सा यहाँ पर बीच पर रुका हुआ है, ये हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी ये साइड वेज जो है ये करेक्शन कर रही है। अब इस साइड वेज करेक्शन का खात्मा कब हो सकता है, जब ये अपने इस बैरियर से कम बाहर निकलेगा। ये बैरियर इसका कौन सा वाला होगा, ये बैरियर इसका खास तौर पर ये जो छोटी सी रेक्टेंगल टाइप ये जो बना रहा है, यह इस जोन के अंदर है फिलहाल। या तो ये जोन से जो है वो या तो बाहर निकल आए या जो है ऊपर की तरफ निकले या नीचे की तरफ निकले। जब तक इस जोन से नहीं निकलता बाहर, तब तक हम कह सकते हैं कि ये फिलहाल जो है साइड वेज में मूव कर रहा है ये। और अगर हम इस रेक्टेंगल को थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं तो ये थोड़ी वाजिया पिक्चर आपको नजर आ जाएगी इसकी, कि ओवरऑल इंडेक्स जो है उन्हीं जोन के अंदर मौजूद है जहाँ पर ये माजी में भी जो है वो मौजूद रही है। थोड़ा सा अगर हम इसको डीप कर लेते हैं, जैसे ये पीछे भी हमने देखा कि इंडेक्स जो है इस जोन के अंदर फिलहाल जो है मूव कर रही है, और ये जोन जो है यानी कि एंड यानी कि जो हाई लगाए हुए हैं उसका बिल्कुल डाउन जोन जो है यानी कि बिल्कुल नीचे जो बॉटम बनता है इस वाले पूरे यानी कि जो है इंडेक्स का ये। और ये तकरीबन टाइम यानी पूरे 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं, पूरे साल का ये जो लो और ये हाई की बात करते हैं, तो 2021 के अभी मार्केट जो है वो लो पर मौजूद है ये। ये जोन मार्केट के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स जो है इसे नीचे नीचे कहीं क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये लेवल जो है मार्केट के देखने को जो है वो मिल सकते हैं ये। फिलहाल तो इसने अपने लेवल सस्टेन किए हुए, जैसे जो है ना आज भी हमने देखा कि मार्केट के अंदर जैसे ये नेगेटिविटी चल रही थी और एक अच्छी जो है ना बीच में ग्रीन कैंडल बनी, अपेंडेड बेबी जो है इस कैंडल को जब कहा जाता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, यहाँ पर भी ये जो फॉर्मेशन बनी थी अपेंडेड बेबी की कैंडल बनी और जो है ये बुलिश हरामी पैटर्न है और ये ग्रीन कैंडल है इसको कन्फर्म किया था ये। लेकिन बाद में फिर हमें जो है सेलिंग नजर आई और उसके बाद दोबारा इस तरह का पैटर्न जो है वो हमें नजर आया कि इस रेड कैंडल के बीच में करके जो है ये कैंडल बनी, इसको तकरीबन मिड से थोड़ा सा ऊपर क्लोज होना चाहिए था, फिर तो और भी कंफर्मेशन हो जाती। जैसे हम लोग नीचे वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो ओवरऑल वॉल्यूम भी हमें काफी लो नजर आ रही है। तो वॉल्यूम जब तक मार्केट के अंदर अच्छे नहीं नजर आएंगे, बेहतरी नजर नहीं आएगी, वॉल्यूम्स के अंदर माल नहीं आएगा, तब तक इंडेक्स जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए जो फिलहाल जो इंडेक्स का जो ये लेवल है नीचे या ऊपर, ये कोई खास मायने नहीं रखते क्योंकि वॉल्यूम इंतहाई लो वॉल्यूम है ये। कल को अगर अच्छे वॉल्यूम जू जू आना शुरू हो जाएंगे तो वो इन सारे वॉल्यूम्स पर हावी हो जाएंगे ये। उसमें क्या होगा कि फिर ये जो छोटे लेवल है ये सारे बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे ये। या तो सेलिंग वॉल्यूम आ जाए बड़े बड़े तो ये फिर सारा जो है ये इंडेक्स तेजी के साथ नीचे आ सकता है, लेकिन अगर थोड़े से भी अच्छे बाइंग वॉल्यूम हमें नजर आना शुरू हो जाए तो ये सारे जितने भी छोटे छोटे वॉल्यूम हमें नजर आ रहे हैं उस पर ये सारे वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम इन इंडेक्स पर हावी हो जाएगा और फिर बहुत तेजी के साथ मार्केट जो है वो ऊपर जाने को हमें नजर आ सकती है ये। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इन लेवल्स की, आप देखें ये जो लेवल थे मार्केट के अप्रैल 2020 में, यहाँ पर वॉल्यूम इंतहाई लो थे, लेकिन जो ही बड़े बड़े वॉल्यूम आना शुरू हो गए तो उस वक्त मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू होगी ये। यानी जरा से अच्छे अच्छे वॉल्यूम आना शुरू हो गए तो इन अच्छे अच्छे वॉल्यूम ने इन छोटे छोटे ये जो बियर्स हमें नजर आ रहे हैं इन पर हावी हो गए और फिर इंडेक्स तेजी के साथ हमें शार्प इंक्रीज के साथ हमें नजर आया ये। जहाँ पर इंडेक्स जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ था 26,000 पर आ गया था, तो उसके बाद जो तेजी आई वो इन अच्छे वॉल्यूम की वजह से आई और अच्छे वॉल्यूम आए और जिन्होंने इस नीचे वाले लो वॉल्यूम्स पर हावी हो गए और पूरी तौर पर जो मार्केट जो है वो ऊपर चलेगी। तो अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 6 महीने से वॉल्यूम इतना ही लो है, तो इस लो वॉल्यूम में यानी कि फौरन ये खत्म हो जाएंगे। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि मार्केट के अंदर जो है वो अच्छे अच्छे वॉल्यूम जो हमें देखने को मिलेंगे। अच्छे वॉल्यूम कम नजर आएंगे, अच्छे वॉल्यूम डेफिनेटली थोड़े से मुल्क के हालात जरा सा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे तो अच्छे वॉल्यूम आपको नजर आएंगे ये। जब तक ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मौजूद है तब तक हमें मार्केट डल नजर आएगी। ऐसे में अगर वक्ती तौर पर आपका पोर्टफोलियो रेड है या स्टॉक आपके नीचे आए हुए तो बिल्कुल भी परेशानी की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि ऐसा टाइम है ये जो है ना इसमें मार्केट का चलना जो है वो थोड़ा सा मुहाल नजर आता है, क्योंकि ये जो पैनिक सिचुएशन है उसके बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मार्केट रिकवर होना शुरू हो जाएगी जब मार्केट इस अनसर्टेनिटी से जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएगी। तो जी तला भाई आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी तला भाई जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पहले तो माशाल्लाह सर आपने बहुत अच्छी तकरीर की, बड़ा अच्छा गाइड किया। और पूछना सर आपसे ये है कि जैसे मैं ट्रेड को देख रहा था कि जैसे ही मार्केट नीचे आई तो ट्रेड 3 साल लेटा रहा नीचे, लेकिन फिर इसने 60-63 भी दिखाया। तो अभी जहां तक मैंने गौर किया है कि इन्होंने रेट तोड़े हैं स्टॉक्स के, लेकिन इंडेक्स नहीं तोड़ा, इंडेक्स को वहीं रखा है इन्होंने।
इंडेक्स तकरीबन ऊपर नीचे होता रहा, तो क्या लगता है आपको कि इंडेक्स के ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है या नीचे आने के ज्यादा चांसेस है, करेक्शन ज्यादा, क्योंकि अगर इंडेक्स तोड़ा तो मेरे जी आवाज थोड़ी सी, दूसरा ये एक इसके बारे में रहनुमाई कीजिएगा, दूसरा बताइएगा मुझे पहल के बारे में जी, कि पहल मैंने लिया हुआ है तो उसकी जो है वो सपोर्ट क्या है और कितने मुझे सेल कर देना चाहिए, इस तरह की बाइंग है मेरी जी, यहाँ ऐड करना चाहिए सेल करना चाहिए। जी जी तला भाई, जो है ना जो पहला सवाल है ना आपका, फिलहाल इंडेक्स जो है ना वो हमें साइड बेस में मूव करता हुआ जो है ना वो नजर आ रही है, जिस तरह मार्केट जो है जैसे वॉल्यूम हमें नज़र आ रहे हैं उस ऐसे वॉल्यूम में जो है मार्केट का नीचे आना जो है वो आर्टिफिशियल, यानी उसको हम कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल किस्म का मार्केट को रोका हुआ है या थोड़ा बहुत जो सेलिंग प्रेशर और पैनिक क्रिएट किया हुआ है, अदरवाइज जो है मार्केट हमारी बेहतर है और काफ़ी टाइम से ये करेक्शन कर चुकी है ये, और किसी भी टाइम जो है वो इसकी करेक्शन का खात्मा हो सकता है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इंडेक्स हमें टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इंडेक्स हमें तब टूटता हुआ नज़र आएगा जब कोई बहुत बड़ी कोई अनहोनी हो जाती है, ये जो बड़े प्लेयर को भी कोई चीज़ समझना आ जाए तब हमें नज़र आता है कि जी अब जो है वो चीज़ मार्केट बिल्कुल इंडेक्स जो है वो उसने अपना माल बिल्कुल छोड़ दिया, ये तो इतने लो वॉल्यूम में उसने अपना माल तो नहीं छोड़ा बल्कि वो थोड़ा थोड़ा करके माल नीचे से कोई ना कोई जो है वो एक्युमुलेट कर ही रहा होगा ये, तब भी जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट उसने दी हुई है और स्टॉक भी अच्छे अच्छे जो स्टॉक है वो बिल्कुल बॉटम पर अब आ चुके हैं, ये राइट टाइम है उस बड़े प्लेयर के लिए भी कि वो इसको एक्युमुलेट कर रहा होगा ये, जब उसके पास क्वान्टिटी इनकी हेल्दी क्वान्टिटी आ जाएगी और काफ़ी हद तक आप लोग माल छोड़ चुके होंगे तब तक जो है ना फिर वो ऐसा ऐसा करके इसको जो है वो बेहतर करेगा ये। जहाँ तक जो है ना पहल की बात है, ये पहल जो है जैसे ये पहल का चार्ट ही आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, ये पहल आप देखें ये बिल्कुल अपने उसी बॉटम रेट पर आ गया है जहाँ पर ये तकरीबन आज से कुछ अर्सा पहले मौजूद है, ये यानी 7 अगस्त 2019 का जो उसका बॉटम लगा हुआ है यही बॉटम है, और उसका कौन सा बॉटम हो सकता है, ये जैसे कोविड में इसका ये बॉटम लगा हुआ था ये वाला बॉटम, ठीक है मार्च 2020, अभी अपने उस बॉटम से भी थोड़ा सा और का डिस्काउंट बढ़ा गया, तो फिलहाल जो है अभी इसका जो आखिरी सपोर्ट है, फिलहाल सपोर्ट क्या यानी कि ये सारा एक्चुअल बाइंग जोन में ही अभी वही तकरीबन वहीं पर ही आ गया जहां पर ये आया हुआ था अगस्त 2019 को, ये तो किसी भी टाइम ये रिकवर कर सकता है। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं इस पार्क इलेक्ट्रॉन की, तो पार्क इलेक्ट्रॉन जो है ये इसका पूरी जिंदगी का जो है ये चार्ट है, ये पूरी जिंदगी के चार्ट में आप देखें कि आ तो सकता है इस रेट पर जो 2011-12 के इसके रेट वक्त आपको पैनी करने के लिए अगर ये ले आए इसको 3-4 पेपर है तो इसके साथ ज्यादती है, लेकिन जैसे इन्होंने राइट शेयर अपने बेचने तो ऐसा हरगिज वो नहीं करेंगे, अगर ये चाहते हैं कि इनके राइट शेयर लोग लें तो इनको लाजमी कम अज कम जो है इसको 20-22 रुपए के करीब करीब इसको लेके जाना पड़ेगा पाक इलेक्ट्रॉन को। तो बहरहाल अभी पाक इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर खड़ा है वो अपनी सपोर्ट पर ही आ गया है, जो जुलाई 2019 की इसकी सपोर्ट थी, यहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग इसके अंदर हुई है, कम्युलेशन हुई हुई है, इन लेवल्स पर भी बाइंग हुई है, और ये जो लो वॉल्यूम हमें नजर आ रहे हैं कि ये वक्ती तौर पर इसको नीचे गिराया हुआ है, किसी भी टाइम जो है पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है वो बाउंस बैक आप देख सकते हैं, हो सकता है यहीं से ये बाउंस बैक जो है ये कर जाए अपनी इसी सपोर्ट का सहारा लेकर ये। जी दाऊद शाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम कई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी कई साहब, कोर्स के बारे में मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं एक्सेस कर चुका हूँ, आज मैं रब्ता किया था उनसे तो मैं कोर्स को एक्सेस कर चुका हूँ, दो वीडियोस देखी थी माशाल्लाह काफी मजा आया, बाकी भी इंशाल्लाह देखेंगे। मेरा सवाल है सर, ये ईफर्ट जो फिलहाल ऊपर मुसलसल ऊपर ही जा रहा है तो उसको इसकी बाइंग बनती है अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाए तो आपके ख्याल में कैसा होगा, और दूसरा सिनर्जी जो है, सिनर्जी अभी 5.02 रुपए पे आज उसकी क्लोजिंग हुई तो इसको लेना चाहिए या थोड़ा सबर करना चाहिए। जी जी सर, एग्रो फर्टिलाइजर जो है ना उसको थोड़ी सी करेक्शन करने देना, कोई 5-10 रुपए की करेक्शन इसके अंदर जो है मेरे हिसाब से बनती है ये। जैसे अभी हम लोग रिसेंट बात करते हैं तो रिसेंटली इसने जो हाई लगाया हुआ था तकरीबन आज की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज के दिन जो है ये थोड़ा हाई इसका ज्यादा लगा हुआ है, ये 91.29 और ये क्लोजिंग हो गया 88.81 पर ये, और अभी इसकी एक्स डेट जो है या तो ये एक्स हो चुका है ना या तो ये फिर क्रॉस कर जाए अपने इसी लेवल को जिसका ये अभी रिसेंटली इसने हाई बनाया, जब ये 90 रुपीज से ऊपर क्रॉस कर जाए तो वहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं, या अदरवाइज ये आ जाए तकरीबन 80 रुपए के करीब करीब तो वहां पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, यानी ये सेफ स्टॉक है, इसका कोई मसला नहीं है कि अगर आप इस लेवल पर भी इसको बाय करते हैं तो ये ट्रेडिंग वाला तो स्टॉक है नहीं, ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है ये, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये ऊपर जाता जाएगा ये।
बाकी जो है सिनर्जी भी जो है वो भी इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, और जो इस जिस रेट पर ये आया हुआ है वहाँ पर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बनती है। ये 5 रुपये या 5 रुपये से नीचे, इवन के 5.5 रुपये से भी नीचे जो है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है ये। और अगर ये मैं कहूँ कि ये अपने तकरीबन ऑल टाइम लो के करीब है तो भी जो है वो गलत नहीं होगा, तकरीबन अपने लो के करीब करीब है, या 4.5 के करीब करीब इसका लो लगा हुआ है। और वो 4 के लो लगे हुए उस वक्त जब ये 2008 था, ये 2008 और आज के दिन जो है वो जमीन आसमान का फर्क हो गया, अच्छे खासे 13-14 साल गुजर गए। तो इसके अंदर कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो काम हुआ, कंपनी ग्रो किया, ये हुआ तो वो हुआ, तो उसके रेट पर ही आ गया। तो इसके अंदर भी जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जल्दी वाली काम नहीं है कि अगर आप कहें कि जी सिनर्जी आज मैं ले लूँ तो ये 3 महीने के बाद चल जाए या कोई मुझे 4 पैसे दे जाए, वो वाला जहन रखें। टारगेट रखें इसका 10-12 रुपये, और टाइम अपने जहन में रखें कम अज़ कम 1-2 साल अपने जहन में रखें। इंशाल्लाह ये 1-2 साल के अंदर अंदर जो है ये आपको मोर देन 100% का गेन जो है वो बड़े आराम से दे सकता है। जी मोहम्मद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। कारी साहब मेरे एक तो आपके पर्सनल व्यूज जानने थे, सिंस हमने जिस आपने स्विच किया है अस्करी से अल्फला की तरफ, तो आप इनके सर्विसेज कैसे ग्रेड करते हैं, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि मोहम्मद साहब के पास जाया जाए। और दूसरा मेरा सवाल है TPLP के बारे में, कि मेरी बाइंग है TPLP की 29 की, इतने ज्यादा शेयर्स नहीं है, कोई 4,000 क्वांटिटी है, तो आप क्या आपको लगता है कि बाकी स्टॉक्स की तरह ये रिकवर करेगा या मैं इसे निकल जाऊं को और आपके बताए हुए छोटे स्टॉक्स में शिफ्ट कर जाऊं? थैंक यू। जी सर, जो है ना जैसे इसका अस्करी का और अगर मैं अल्फ्रा सिक्योरिटी का आपस में कंपैरिजन करूँ ना, जैसे अभी मैंने आपके सामने थोड़ा सा डेमो दिया ना इसका मार्केट का भी और ओवरऑल वॉल्यूम्स का भी, इवन के ये जो कैंडल स्टिक्स के चार्ट्स पर है ये भी अल्फ्रा सिक्योरिटी आपको ये प्लेटफॉर्म जो है ना ये देते हैं। ये इस तरह की कोई भी सर्विस जो है वो इसमें अस्करी में जो है वो नहीं थी। ये अस्करी में तो सिर्फ ये चले मरवल साहब के साथ हमारे ताल्लुकात वगैरह थे तो मरवल साहब प्रॉपर गाइड करते थे ना, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये अस्करी को जो है ना वो उनको भी देना चाहिए था, अगर उनके पास होता तो वो देते। तो इस तरह की कोई सहूलत और रिसर्च पोर्टल ये चीज़ें जो है अस्करी में नहीं है, ये आपको अल्फ्रा सिक्योरिटी में ही मिलेंगी। ये तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, बेहतर है अगर आप इसके अंदर स्विच कर जाते हैं। इसमें सिर्फ थोड़ा सा जो है ना वो ये है, वही जो थोड़ा सा सेकेंडरी पासवर्ड जो है वो थोड़ा सा पहले जैसे अस्करी में होता था ना कि हम एक प्राइमरी पासवर्ड होता था, एक सेकेंडरी पासवर्ड होता था, सिर्फ वो आपको वहाँ पर 2 पासवर्ड है, बाकी अदरवाइज बिल्कुल अस्करी और जो है ना ये अल्फ्रा का तकरीबन सेम ही है प्लेटफॉर्म, ये जो टर्मिनल वगैरह जो है ये बाकी। और एडिशनल फैसिलिटी मैंने आपको बता दी कि एडिशनल फैसिलिटी आपको ये मिलेगी कि एक तो रिसर्च पोर्टल भी होगा, आप वो भी देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं। ये तो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, इसके अंदर काफ़ी डिटेल है ये। और इसके अलावा भी जैसे मरवत साहब जो है वो अल्फ्ला में शिफ्ट हो जाएंगे तो आप उनकी जो सर्विस है वो आपको तब भी मिल सकेगी जब आप अल्फ्ला में जो है वो अपने आप को स्विच करेंगे ये। तो बेहतर है उधर ही कर जाए क्योंकि चार्जेस तो तकरीबन सेम ही लगेंगे जो स्टॉक्स के बाइंग एंड सेलिंग के, तो चार्जेस जो आपको स्क्रीन में पड़े वही अल्फ्रा सिक्योरिटी में ही आपको चार्जेस वगैरह पड़ेंगे ये। तो इसमें ज़्यादा बेहतर है कि उधर आप स्विच कर जाएंगे तो कंफर्टेबल हो जाएंगे ये। जी नासिर तुफैल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब आज जो है मार्केट तो बेहतर है और इसमें ये कि OGDC और TPL काफ़ी अर्से बाद ड्रॉप होकर आए हैं वॉल्यूम में, हालांकि वॉल्यूम कम है। इसकी वजह ये थी कि प्रोजेक्ट है जो कि गोल्ड माइन का और कॉपर का जो है $10 बिलियन का जो है उसमें इनके 16% कुछ शेयर है, तो मेरा ख्याल है अगर मार्केट सही होती तो ये अपर लॉक लगते दोनों को। सुबह थोड़े से बढ़े थे फिर थोड़ा कम हो गए, तो मेरा ख्याल है कि ये इसकी न्यूज़ काफ़ी अच्छी है तो मेरा ख्याल है ये मार्केट को फिर आगे जाकर जीत करेगा। और दूसरा ये कि WTL जो है ना वो अब कहाँ तक रुकेगा जाके, काफ़ी नीचे आ गया, बस ये 2 सवाल है मेरे। जी जी सर, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी ना मार्केट तो, और ये खास तौर पर जो है ना ये थोड़े से लाभ बेहतर होंगे तो यही OGDC PPL और FFC हो गया, MCB बैंक हो गया, ये अभी चलना है, अभी इनकी बारी आनी है चलने की, लेकिन उनके चलने के लिए थोड़ा सा जो है ना वो वॉल्यूम चाहिए। ये तो वॉल्यूम लगेगा तो फिर आप देखेंगे कि ये स्पीड जो है ये ऊपर बाउंस बैक करेंगे, इनकी खबरें बहुत अच्छी हैं। जैसे अभी रिकॉर्डिंग का जो है वो दोबारा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो रहा है, ये पहले तो ये बंद हो गया था और इन्होंने भगा दिया था जो है ना ये जो बाहर की टीमों को जो है ना पूरा, ये इसकी पूरी एक कहानी है कि रिकॉर्डिंग का क्या चक्कर है ये, इसी वजह से तो आपको जो है वो अमेरिका ने आई थिंक $5 अरब जो है वो जुर्माना भी किया, ये बाद में फिर हमने माफी तलाफी करके उस इसी प्रोजेक्ट को दोबारा फिर कंटिन्यू करवाया ये।
और इंशाल्लाह इसकी वजह से भी एक तो मुल्क में भी काफ़ी जो है वो बेहतरी आएगी और ये खासतौर पर ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर भी आपको काफ़ी तेज़ी नज़र आएगी ये। बाकी सर WTI जो है आपको पैनिक करने के लिए ये हो सकता है 1 रुपए पर भी आ जाइए। तो बात ये है कि अगर आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वाला जहन रखा हुआ है तो पड़ा रहने दें, इसमें टेंशन परेशानी वाली बात नहीं। अगर ये वक्त ही नीचे आ जाता है तो ज़रा से हालात बेहतर होंगे तो आपको ये दोबारा बाउंस बैक करता हुआ नज़र आएगा ही। वो TPLP का उन्होंने पूछा था, TPLP जो है ये इससे पहले मोहम्मद साहब ने, TPLP सर इस तरह है ना, फिलहाल जो इसने जो लेवल तोड़ा है ना खासतौर पर ये 18.5 रुपये से नीचे आ गया, ये तो बेहतर ये कि एक दफ़ा आप इसके अंदर से निकल जाएंगे और जब ये आ जाए दोबारा 10 रुपये से नीचे नीचे वहाँ पर इसके अंदर बाइंग वगैरह जो है वो TPLP के अंदर जो है वो की जा सकती है। ये PPL OGDC हम पहले भी रिकमेंड कर चुके हैं, अगर आपने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है ये बहुत अच्छे स्टॉक है ये। PPL OGDC POL ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसके अलावा PSO ये काफ़ी यानी कि बेहतर हो जाएंगे फ्यूचर के अंदर। ये वक्ती इनके अंदर प्रेशर है लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सदा मार्केट ऐसे ही रहेगी या मुल्क के सदा हालात ऐसे ही रहेंगे। ये जैसे हम देखते हैं ना कि ओवरऑल जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे हुकूमत का भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी वो बिल्कुल अपने ब्रेक इवन पर खड़ी है हमारी हुकूमत। ये यहाँ तो यहाँ से इनका ब्रेकआउट निकलेगा हुकूमत का भी या ब्रेक डाउन निकलेगा ये, और अपोजिशन भी जो है हमारी वो भी बिल्कुल ब्रेक इवन पर खड़ी है, या तो इसने भी इसका भी ब्रेकअप निकलेगा या ब्रेक डाउन निकलेगा ना, दोनों का ये बिल्कुल एज पर है ये। तो उस वही मार्केट का भी यही हाल है, मार्केट भी अपने तकरीबन अपने बिल्कुल उसी लेवल पर खड़ी है जहाँ पर आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मार्केट खड़ी थी ये। तो यहाँ से या तो मार्केट का ब्रेकआउट है या मार्केट का फिर ब्रेक डाउन है ये। ये PPL OGDC ये काफ़ी टाइम से करेक्शन कर रहे हैं, हमने इसको 2017 से करेक्शन में ये लगे हुए हैं, ये 2017 के बाद से ये इसी रेट पर आए हुए हैं 88-80 इसके करीब करीब जो है ये ट्रेड कर रहे हैं। किसी टाइम इनका भी अब ब्रेकआउट जो है वो निकलेगा, ये ज़्यादा चांसेस ये है कि इनके ब्रेकआउट होंगे, ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे। ये ब्रेक डाउन इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी इनकी 3-4 साल की करेक्शन हो चुकी है इन सारे स्टॉक की। ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सिंपल PPL OGDC को अगर हम लोग देख लेते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत से मेंबर्स भी होंगे, लोग भी होंगे जिन्होंने 2017 से जो है वो PPL को जो है वो लिया होगा। ये जैसे ये PPL का चार्ट आपके सामने जो है ये खुला हुआ है, ये तो PPL जो है ये आप यानी ये जब ये 2018-17 थे उस टाइम तक तो इसके हाई लगे हुए थे, इवन के जनवरी 2020 तक भी इसका 150 का हाई लगा हुआ था, बस उसके बाद से इसकी करेक्शन शुरू होगी। ये आप ये देखें ना, ये करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खासतौर पर सीखने के लिए भी आपके यानी कि आपको काफ़ी मदद देगी। तो यहाँ से आप ये देखें ना कि ये करेक्शन थी इसकी 150 रुपये पर ये था और ये एकदम से नीचे आ गया ये, और इसमें बॉटम लगाया तकरीबन 70 रुपीज़ के राउंड अबाउट। ये होना तो ये चाहिए था ना कि ये इसकी करेक्शन होगी, अब इसको वापस ऊपर जाना चाहिए था लेकिन ये ऊपर नहीं गया ये। तो हमेशा जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि करेक्शन दो किस्म की होती है, एक होती है करेक्शन जो है वो प्राइस वाइज और दूसरी होती है टाइम वाइज करेक्शन। तो ये जो करेक्शन इसकी नीचे की तरफ हुई ये प्राइस वाइज करेक्शन हुई कि इसने अपनी प्राइस डिस्काउंट की ये, और बाकी ये जो करेक्शन है ये है टाइम वाइज करेक्शन। ये यहाँ से याद है कि जितना भी इसने टाइम गुजारा ये भी तकरीबन अच्छा खासा टाइम इसको गुजर चुका है ये, और ये टाइम अगर यहाँ से हम कैलकुलेट भी करें जैसे ये 16 मार्च 2020 से लेकर अभी तक ये टाइम वाइज करेक्शन कर रही है ये PPL का जो स्टॉक है। तो 16 मार्च और आज भी मार्च आके 1 साल से इसके अंदर टाइम वाइज करेक्शन चल रही है ये। टाइम वाइज करेक्शन कब खत्म होगी, जब इसका ये वाला ब्रेकआउट निकलेगा 104 रुपये का ये, जिस टाइम इसने ब्रेकआउट दे दिया फिर तो ये स्पीड और स्पीड अपने इन लेवल्स को तो फौरी तौर पर ये पहुंचेगा ये, और इस दौरान इसका ब्रेक डाउन इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि हम इसको नहीं समझते कि इसका ब्रेक डाउन भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी करेक्शन कर चुका है नीचे, एक तो प्राइस वाइज गिरा दिया, टाइम भी इसने यहाँ पर गुजार दिया, तो अब यहाँ पर अगर ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ब्रेक डाउन दे देता है नीचे आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो इसका बड़ा प्लेयर है या जो इसके पीछे इन्वेस्टर है या जो इसको चलाने वाले हैं वो जो है ना वो जो है ना दो नंबरी पर आए हुए हैं ये, यानी कि किसी सूरत अब इसको ब्रेक डाउन या इससे नीचे आना इसका बनता नहीं है ये। जहाँ पर प्राइस टूट की टाइम इसका ख़त्म हो गया तो उसमें अब नीचे आने की कोई हमें लॉजिक नज़र नहीं आती, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि प्राइस नीचे आने से लोग जो है वो टूटते नहीं है ये। ये एक इम्पोर्टेंट जो है ना चीज़ मैं आपको जो है ना ये थोड़ा सा समझाने वाला हूँ कि असल में होता क्या है। जैसे ये PPL की बात है ना, अगर किसी ने 150 रुपये का लिया होगा ना तो वक्ती तौर पर हम कहते हैं जी हम इन्वेस्टर हैं, तो ये वक्ती तौर पर ये नीचे आ जाता है, जैसे ये नीचे आ गया फौरी तौर पर, तो बहुत से लोग जो है यहाँ पर नीचे आने पर उनका हौसला नहीं टूटा होगा, उनको पूरा यकीन होगा कि जी कोई नहीं वापिस आ जाएगा ये। ऐसे में यानी इस इन लेवल्स पर कोई भी बंदा जो है जो इन्वेस्टर है या कोई छोटा इन्वेस्टर या छोटे दिल वाला इन्वेस्टर वो उसका दिल टूटता नहीं है ये, वो थकता नहीं है ये,
ये जो टाइम वाइज करेक्शन होती है इसमें मार्केट आपको थकाती है, ये उसका मकसद ही ये होता है कि आप लोग थक चूड़ कर जो है ना इसको बेच दे और किसी और स्टॉक की तरफ आप लोग जो है वो निकल जाइए। तो इसमें अगर कोई कामयाब हो जाता है इस टाइम वाइज करेक्शन के अंदर, फाइनली इसने वापस जाना ऊपर ही ऊपर, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये आपको थकाने के लिए टाइम वाइज करेक्शन की जाती है। इसमें ये आपको तोड़ देता है, ये यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी ने इसको फॉर एग्जांपल इस बॉटम पर इस मार्च 2020 में ही लिया होगा और उसका ख्याल ये होगा कि मैं इसको यहाँ पर बेचूंगा, तो एक साल रख रख कर उसी लेवल को देख देख कर वो बंदा थक चुका होगा और इसको फिर उसका दिल करता होगा कि मैं इसको बेच ही दूँ, तो ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है ये। तो ये टाइम वाइज करेक्शन हमेशा आपको तोड़ देती है, थका देती है। बाज़ अवक़ात टाइम वाइज करेक्शन बहुत लंबी हो जाती है, ये तीन तीन चार चार साल जो है वो टाइम वाइज करेक्शन में भी लग जाते हैं और इसमें बंदा चूर हो जाता है और अपने स्टॉक को फाइनली कहता है जी बस गुड बाय करके छोड़ दिया जाएगी। बस अब जो हम जैसे बार बार कह रहे हैं कि ये जो टाइम वाइज करेक्शन है ये अब ज़्यादा लंबी चलेगी नहीं, ये काफ़ी टाइम हो गया है टाइम वाइज करेक्शन में, इसको लाजमी अब ख़त्म होना चाहिए ये। जी आमिर शाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी भाई मुझे थोड़ा सा ये पूछना था कि ये जितने भी है ना हमारे इंडेक्स, इसमें मतलब टैली को देख लें, के इलेक्ट्रिक को देख लें, या जिसकी मतलब सीनर्जी को देख लें, किसी को भी देख लें, ये नीचे मतलब जा रहे हैं, एक सीनर्जी जा रहा है 5 रुपए पे, फिर मतलब 6-7-8 रुपए पे ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, हालांकि मार्केट 2-3 दिन से नेगेटिव भी थी फिर पॉजिटिव भी हुई है, और इसके अलावा कोई भी है ना वो मतलब उसको जबरदस्ती मतलब नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जा नहीं रहा, वो मतलब उधर ही जा रहा है। टैली को देख लें वो 980-983 पे जा रहा है, फिर वापस आ जाता है ऊपर, फिर नीचे चला जाता है, तो मतलब ये क्या कोई सिचुएशन समझ नहीं आ रही। जी सर है ना इसमें खासतौर पर हर वो स्टॉक जो बिल्कुल बॉटम पर लग चुका है ना वो तो बिल्कुल सेफ है, ये आप सिनर्जी के अंदर पैसा डालें, आपके इलेक्ट्रिक के अंदर पैसा डालें, इस लेवल पर WTL के अंदर भी पैसा डालें, ये सेफ स्टॉक हो गए हैं ये। इवन ये आज मैं देख रहा था पेस पाकिस्तान, वो भी तकरीबन 3 रुपए के राउंड अबाउट जो है वो आ गया और यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ स्टॉक है ये। ये आपके पैसे ज़्यादा नहीं तोड़ेगा ये, यानी कि थोड़ा बहुत हो सकता है इसके अंदर कोई 10-15 पैसे नीचे चले जाएँ, अगर आ जाए ये दोबारा फिर फ़ौरन बाउंस बैक कर जाएगा ये। टैली जो है, टैली आप जो है ना उसको ये देखें कि टैली आया हुआ है तकरीबन 60-70 पैसे से ये स्टॉक चला था ये, और अब मुसलसल जो है वो टैली बिल्कुल डाउन ट्रेंड में ही चल रही है, तो उसमें खतरा है टैली के अंदर। ये टैली अगर यहाँ से बाउंस बैक ना हुआ और ख़ासतौर पर ये 11 रुपये से ऊपर पर ट्रेड करना ना शुरू हुआ तो ये आके रुकेगा तकरीबन 7.5 रुपये के करीब करीब ही। बेशक आप इसको याद रख रहे मेरी ये बात कि ये रुकेगा 7.5 रुपये वहाँ पर, इसको वार सूरत जो है वो बाउंस बैक जो है इसको होना चाहिए ये टैली को, या तो अभी बाउंस बैक हो जाए और ट्रेड करना शुरू हो जाए 11 रुपये से ऊपर ऊपर, अदरवाइज ये आके रुकेगा तकरीबन 8 रुपये के करीब करीब, और 8 रुपये पर भी ना रुका तो ये दोबारा ये 5-6 रुपये के करीब ये आ सकता है ये। इसके अंदर रिस्क मौजूद है टैली के अंदर, लेकिन जो बाकी स्टॉक है जैसे जो बॉटम पर लग चुके हैं जिनको बेशक बार बार नीचे लाया जाए वो फिर बाउंस बैक कर जाएंगे, वो ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे, वो रुक जाएंगे एक जगह पर, ये 2-3 पैसे नीचे आएंगे फिर वापस आ जाएंगे या उधर ही रुके रहेंगे, तो वो ज़रा सेफ हो जाएंगे स्टॉक। उनके अंदर बेशक आप डाल लें पैसा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होंगे और आपके यानी कि पैसों को तोड़ेंगे नहीं। टैली को फिलहाल सबर कर जाए, टैली के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, ये शॉर्ट टर्म में बाय कर सकते हैं लेकिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाला जहन रखकर टैली के अंदर या TPLP के अंदर या इवन TRG के अंदर, नेट सोल के अंदर, इनके अंदर फिलहाल पैसा ना डालें ये, क्योंकि ये अपनी सपोर्ट तोड़ चुके हैं और इनका चांस है कि ये अभी और भी ज़्यादा नीचे आएंगे। TRG का चांस है कि ये आएगा 55 रुपये के करीब करीब ये। इसी तरह अगर नेट सोल की बात करते हैं तो नेट सोल आज उसने लेवल तोड़े हैं 88 रुपये से नीचे नीचे, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये दोबारा कहीं जो है वो 55-56 रुपये के करीब जो है वो ना आ जाइए। जी ज़ुबैर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है काजी साहब, ठीक ठाक है? जी जी काजी साहब, दो स्टॉक्स का पूछना था, एक GGL का जी और GGGL का, इनका कुछ बता देंगे। GGL 21 रुपये की बाएंगे और GGGL पहले का खरीदा वो 19 रुपये की बाएंगे। जी सर, जो है ना फिलहाल तो सारी मार्केट पर ही जो है ना वो काले बादल जो है ना वो छाए हुए हैं ये, जिसकी वजह से ये सारी अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक हैं। GGL जो है ये बिल्कुल यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पूरा ग्रुप ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और ये GGL या TRGL हो गया ये,
और वक्ती जो है इन्होंने इसको जो है वो पैनिक किया हुआ है, लेकिन इसमें भी परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह जब मार्केट रिकवर होगी तो आपके डबल जीएल और ट्रिपल जीएल दोनों जो है वो रिकवर हो जाएंगे, ये क्योंकि इनका ग्रुप जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है ना। ऐसे में इनको बेचना या आपने 21 रुपए का लिया हुआ, अभी ये 14 रुपए का आ गया, ये तो बेहतर ये कि आप इनको होल्ड ही करके रखें। जैसे ये आपको डबल जीएल यहाँ पर नजर आ रही है, डबल जीएल की अगर हम लोग बात करते हैं तो डबल जीएल यहाँ से ये तकरीबन पहले भी इसने 31 रुपए का ही लगाकर ये नीचे आ गया था, तकरीबन 5-6 रुपए के दरमियान ये आ गया था, ये फिर थोड़ा सा ऊपर गया 14 रुपए पर, फिर नीचे आ गया, फिर उसके बाद जो है एकदम इसके अंदर तेजी नजर आई और इसने फिर हाई लगाया तकरीबन 43 रुपीज के राउंड अबाउट ये, और यानी यहाँ पर फिर इसने लोगों को किया थोड़ा बहुत ट्रैप वगैरह, लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर काफी बाइंग की, यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैप हो गई है और वक्ती फिर जो है ना लो वॉल्यूम के साथ ये देखें नीचे वॉल्यूम इतना ही लो है ये। अब ये सारे ये बड़े वॉल्यूम और इन छोटे वॉल्यूम्स का अगर आप कंपैरिजन करें तो ये आपको अच्छा खासा जो है वो हैवी ड्यूटी वॉल्यूम नज़र आ रही है, और इसको अगर आप कहीं बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो थोड़ी पिक्चर और भी क्लियर नज़र आ जाएगी। ये मंथ का है और ये 3 मंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल जो हम बात करें तो वॉल्यूम हमें इसके थोड़े ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं मंथ और मंथ बेसिस पर। कुछ कुछ इसके अंदर सेलिंग भी नज़र आई है और इसने आप लोगों को यहाँ के ट्रैप भी किया है जिसकी वजह से ये मुसलसल नीचे आई है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इन द लॉन्ग रन मार्केट ने ओवरऑल ठीक हो जाना है। फिलहाल जो है खासतौर पर अगर हम लोग डबल जी एल की बात करते हैं तो ये अपनी ये सपोर्ट तोड़ कर नीचे आया तो ये थोड़ा सा जो है इसके लिए रिस्की था, ये सपोर्ट इसको तोड़नी नहीं चाहिए थी ये जो लेवल थे इसकी। अब मोस्ट प्रोबेबली जो है ये अब इसकी सपोर्ट होगी नेक्स्ट ये जो लेवल होंगे इसके करीब करीब ये 13 जैसे भी ये तकरीबन जहाँ पर आया हुआ ये भी इसके सपोर्ट लेवल ही है। अब इसको यहाँ मजीद इसको ब्रेक नहीं करनी चाहिए लेवल, और हर सूरज इसको यहाँ पर अब बाउंस बैक करना चाहिए ये जो लेवल है 13 रुपये 10 पैसे की इसकी जो है एक अच्छी सपोर्ट है। अगर ये टूटी तो फिर ये 10 रुपये के करीब आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये आ जाएगा तो वापस ऊपर नहीं जाएगा। ये इसमें परेशानी वाली बात यह है कि अगर ये नीचे आ गया तो आपको और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। नुकसान आपको तब होगा जब आप लॉस में बेचेंगे ये। अगर आपने 21 रुपये का लेकर उस वक्त 18 या 17 या 19 रुपये का नहीं बेचा तो यहाँ पर भी आप बेचें ना, फिलहाल थोड़ा सब्र कर जाइए, ये हालात थोड़े से बेहतर होने दें। जैसे हम बार बार आपसे कहते हैं कि सदा हालात ऐसे नहीं रहेंगे मुल्क के ही। ओवरऑल हमारी मार्केट जो है वो पॉजिटिव है, अगर आप मार्केट को ओवरऑल इसका रिव्यू करें तो मार्केट हमारी 2010-2012 के बाद से मुसलसल अप ट्रेंड में ही जा रही है। ये तो वक्ती ये ऊपर नीचे थोड़ी बहुत गिरावट आ जाती है, ये हालात भी गुजर जाएंगे, ये महीना गुजरने दें, इंशाल्लाह सारी पोजीशन जो है वो क्लियर हो जाएगी कि होना क्या है मुल्क के अंदर ये और आगे का क्या लाए अमल होगा। वो भी सकता है कि ये थोड़ा सा प्रोलोंग हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हुकूमत चेंज हो जाती है, जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से मेन इशू चल रहा है ना, अगर ये यहाँ से चेंज हो जाती है और फिर उसके बाद ये ओपोजिशन दोबारा ये ओपोजिशन में चले जाते हैं और दूसरा ओपोजिशन वाले हुकूमत में अगर आ जाते तो ऐसे में फिर भी टसल जो है इनके दरमियान चलती रहेगी। तो फिलहाल जब तक फ्रेश इलेक्शन जो है मुल्क के अंदर नहीं हो जाते, एक सॉलिड किस्म की हुकूमत जो है वो यहाँ पर नहीं आ जाती, तब तक हो सकता है साल मजीद मार्केट आपको इसी तरह का पैनिक करती रही है। तो अगर आप लोग साल इसी तरह टेंस सिचुएशन में रहेंगे कि ये क्या हो गया हमारे स्टॉक नीचे आ गए, इसको बेच देते हैं या मार्केट को ही छोड़ देते हैं, ये आखिरी यानी जो बड़े प्लेयर की जो बड़ी ख्वाहिश होती है कि आप लोग मार्केट छोड़ कर ही चले जाएंगे और अपना ये सारा माल सस्ते दामों बेच कर आप लोग निकल जाएं बस, फिर वो निकालेगा मार्केट को 6 महीने के बाद, साल के बाद, जब आप बिल्कुल दूर हो चुके होंगे मार्केट को, तब वो मार्केट को प्रॉपर तरीके से जो है वो चलाता है ये। तो अगर आपके असाब जो है ये सारी नर्व्स की गेम है, ये अगर आपके नर्व्स मजबूत हैं तो फिलहाल जो है बिल्कुल ये नहीं कि अव्वल तो हम ये बार बार ये कह रहा हूँ कि मार्केट को फिलहाल आप देखें भी ना, ये अगर आपका सारा पैसा मार्केट के अंदर लग चुका है तो फिर आपको मार्केट को फिलहाल 2-4 महीने के लिए देखने की जरूरत ही कोई नहीं है ये। या अगर आपके पास कैश मौजूद है तो फिर आप बेशक मार्केट को देखें और अच्छे से स्टॉक पर नजर रखें, अगर अच्छे से स्टॉक नीचे आ जाते हैं तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके तो बिल्कुल साइड लाइन हो जाएं आप भी, ये और अच्छे टाइम का फिर इंतजार करें और अपने पैसे फिर अच्छे खासे आप कमाएंगे मार्केट के अंदर से। जी मुदस्सर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जो आज आपका सेशन है ना, मैं इसके लिए आपका स्पेशली थैंकफुल हूँ। आपने मार्केट को भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया, बाकी शेयर्स को भी। सर फ्राइडे के दिन होंडा एच कार जो था ना वो 185 तक चला गया था और मैंने 189 पे बाय किया था, लेकिन मार्केट क्लोज होने के नजदीक आके वो 208 को टच करके तो वापस थोड़ा सा नीचे आ गया, तो मैंने 189 पे लिया था और आज मैंने उसे 193.5 पे सेल कर दिया, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आ गया था। ठीक है। सर ये जो एच कार है ये बहुत अच्छी कंपनी है, आपने हमेशा इसकी
तारीफ भी की है, इसको टेक्निकली भी अच्छा बताया है, इसको भी सारा आज जरा डिस्कस कर दें इसमें कि ये मजीद और अगर सपोर्ट लेगा तो कितनी लेगा जी। थैंक यू जी सर, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ करने का। सर यही है ना कि अगर हम लोग आपको बार बार जो ना हौसला ना दें तो ऐसे में ये होता है कि आप वो वाले दिन भी याद रखें जब आपके पास कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती थी, आप लोग इस सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े ना होते या मुझे ना सुनते तो आप लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करते ही? या तो अपने सारे स्टॉक लॉस में बेच देते, फिर कहीं बॉटम में लेते किसी स्टॉक का, वो फिर नीचे आ जाता। तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट इंशाल्लाह जो है वो बेहतर हो जाएगी। ये सिर्फ वक्त ही जो है ये 2-4-6 महीने का प्रेशर है मार्केट के अंदर, अदरवाइज जो है ओवरऑल मार्केट हमारी काफ़ी बेहतर है ये। और हर वो कंपनी जो अच्छी कंपनीज हैं उनके अंदर तो आपका पैसा कभी भी नहीं डूबता। ये फॉर एग्जाम्पल ये होंडा कार जो है ना, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, ये होंडा कार का जो है ना पहले पूरी इसकी जिंदगी का जो ओवरव्यू अगर हम करें, पूरी जिंदगी का इसका चार्ट आप देखें, तो होंडा कार ने यहाँ से इसे चलना शुरू किया था 100-101 रुपये के करीब करीब। वो उस टाइम की बातें जब जो है ना वो जरा गरीबी के दौर होते थे 2014-15 से पहले पहले, ऑटो सेक्टर की तरफ इतना रुझान नहीं था, लेकिन अब तो इतनी गाड़ियाँ और इस तरह काम शुरू हो चुका है तो इनकी भी सेल्स के अंदर दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्कियाँ जो है वो हो रही हैं। आज भी अगर आप होंडा की या टोयोटा की या किसी की गाड़ी बुक करने जाएँ तो 6 महीने के बाद आपको वो गाड़ी मिलती है। वजह यह है कि उनकी बुकिंग जो है वो ठीक ठाक इतनी बुकिंग है कि जो है नई गाड़ी आपको जल्दी जल्दी देते ही नहीं है। फिर इसके बाद अगर होंडा कार की बात करते हैं तो ये इसकी हाई लगे हुए, ये 937 रुपये का होंडा कार है जो अपना हाई लगाया हुआ है। फिर हम वो बार बार बात करते हैं कि इसने फिर यहाँ पर ये करेक्शन की, ये जो नीचे आ गया था इस लेवल के करीब करीब या यहाँ पर, ये सारी इसने अपनी प्राइस तोड़ी, ये प्राइस वाइज करेक्शन इसकी हो चुकी है। ये अभी ये जो छोटा मोटा ये साइड वेज में मूव कर रहा है, ये सारा इसका जो है ये टाइम वाइज करेक्शन इसकी चल रही है। ये यहाँ से अभी तक इसकी जो करेक्शन है ये टाइम वाइज करेक्शन है, और टाइम वाइज करेक्शन में जो है ये बस थोड़ा सा टाइम गुजारेगा जब तक ये थोड़ी सी हालात बेहतर नहीं हो जाते। अदरवाइज जब इस तरह के वॉल्यूम आना शुरू हो जाएंगे, आप ये देखेंगे जब ये बड़े वॉल्यूम ऐसे बड़े बड़े वॉल्यूम बनना शुरू हो जाते हैं उस टाइम ये इस रेट पर था 140-145 रुपये के करीब करीब था, लेकिन जून जो ये बड़े बड़े वॉल्यूम आए तो ये बहुत तेजी के साथ जो है ये ऊपर चला गया फिर ये स्टॉक। यानी इन सारे बड़े बड़े वॉल्यूम ने, आप ये देखें कि यहाँ पर ये वॉल्यूम आए और इन वॉल्यूम्स ने जब इसको लेके जाते के ऊपर तो उस वक्त छोटे वॉल्यूम के साथ भी ये ऊपर चला गया। ये वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि यहाँ पर बड़े प्लेयर ने इसका मैक्सिमम माल जो है ना ऑक्यूपाई कर लिया उसने, एकोमलेट कर लिया उसने। ये जब हम कहते हैं कि उसके पास 80% माल जब आ जाता है तो फिर उसके लिए स्टॉक चलाना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ उसने माल तो खरीद लिया सबसे ये, और फिर थोड़ा थोड़ा भी वो लगाता गया तो ये स्टॉक चलता गया ऊपर। ये देखिए कितने छोटे वॉल्यूम है और ये 245 से इसने हाई लगा दिया, और ये जब बहुत ऊपर चला गया था उस टाइम तो वॉल्यूम बहुत ही लो हो गए थे, श्रिंक हो गए थे ये, तो ये इसने हाई लगा दिया था 913 रुपये का। ये इतने कम वॉल्यूम के साथ भी ये वजह ये थी कि यहाँ पर ये पूरा इसने जो है ऑक्यूपाई कर लिया था, एकोमोडेट कर लिया था। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 20 मिनट करके उसने थोड़ा थोड़ा माल छोड़ा होगा, और आहिस्ता जब ये बिल्कुल हाई सिचुएशन हो जाती है तो वो फिर अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं, और बेचते बेचते जो है फिर ये नीचे, और जब ये नीचे आ जाता है तो वहाँ पर फिर माल इकट्ठा करना शुरू हो जाते हैं ये। तो अभी तक तकरीबन 2019 के बाद से अगर मैं कहूँ कि अभी तक इसके अंदर ये सारी एकोमोडेशन जोन भी चल रही है, इसके अंदर बाइंग हो रही है, और किसी भी टाइम जब इसका ब्रेकआउट निकलेगा फिर छोटे टाइम में मैं आपको बता देता हूँ कि फिलहाल जो है इसकी क्या पोजीशन चल रही है। ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है इसकी जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है वो कौन सी हो सकती है? ये इसको यहाँ से हम क्लोज कर लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली ये इस लेवल से जो है ये होंडा कार पीछे क्लोज हुआ है, ये तो इसने भी अभी रिसेंट सपोर्ट जो है ये तोड़ी है 192 की जो इसकी एक अच्छी सपोर्ट थी उससे नीचे नीचे ये क्लोज हो गया। ये अब तो या तो ये इसे ऊपर ऊपर आ जाए दोबारा, तो जैसे वो कहते हैं ना कि हुकूमत वाले कह रहे हैं कि जो नाराज अरकान है वो वापस आ जाए तो उनके लिए माफ़ी है, या तो ये इस लेवल से ऊपर आ जाए तो इसकी माफ़ी है। हम कह सकते हैं कि ये जो इसका डाउन ट्रेंड नीचे आ गया था ये दोबारा उस लेवल ऊपर आ गया तो ये वापस बाउंस बैक कर जाएगा ये, और अगर आने वाले दिनों में ये बाउंस बैक नहीं करता ये मजीद नीचे आ जाता, और खासतौर पर ये जो नीचे की सपोर्ट है इसकी इससे नीचे कहीं आ जाता है 182 से नीचे तो ज़्यादा चांसेस है कि फिर इन लेवल्स के करीब करीब आने की कोशिश करेगा, जो 125-130 या इससे पहले ये वाले लेवल्स भी इसकी सपोर्ट का काम कर सकते हैं। ये वाला जो लेवल है इसकी मैं बात करूँगी, यानी 170-175 के करीब करीब भी इसकी अच्छी सपोर्ट जो है इसको देखने को मिल सकती है। ये नहीं है एकदम ये नीचे आ जाएगा, बीच में जहाँ के ये चार्ट आपके सामने होते हैं तो यहाँ या ये भी इसके लेवल्स हैं, अगर यहाँ से नीचे जब तक नहीं आता 170 से नीचे तब तक ये बिल्कुल सेफ स्टॉक है। ये अभी फिलहाल अगर आपने इसको बेच दिया तो बेहतर ये कि जब तक ये 192 से ऊपर नहीं आ जाता, जैसे ये वाला जो लेवल आपको बताया, तब तक फिलहाल इसके अंदर फ्रेश एंट्री ना करें। अगर आने वाले दिनों में ये मजीद थोड़ा नीचे आ गया 180 के करीब करीब या इसके अलावा 170 के करीब करीब,
और फिर इसके अंदर जो है मजीद आप दोबारा इसको बाय कर सकते हैं, चाहे 170 पर इसको खरीदे, चाहे 180 पर इसको खरीदे, चाहे 192 पर खरीदे, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप ये देखेंगे कि ये स्टॉक जो है ये 170-175 का स्टॉक नहीं है, ये नॉर्मल रूटीन में ये स्टॉक इन लेवल्स को, यानी ये जो लेवल्स इसने बनाए हुए थे ये लेवल इस लेवल का स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में भी इसके अंदर जो प्रॉफिट टेकिंग है वो 386 रुपए की है। ये जो ही हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो गए और मार्केट के अंदर वॉल्यूम जैसे बार बार कह रहे हैं जो ही आना शुरू हो गया तो पहला इसका टारगेट होगा 386 रुपए का ये, और इस लेवल के बाद अगर ये इस लेवल को तोड़ गया तो फिर ये सारे अपने पुराने लेवल्स को भी तोड़ेगा, 607 रुपए के और 908 रुपए के लेवल भी जो है ये तोड़ेगा ये इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि इसके अंदर अब इतनी एक्सपेंशन हो चुकी है, इतनी इनकी कारें बिक चुकी है, इतना पैसा इस कंपनी के अंदर आ चुका है, तो फिर ये क्या 2017 के रेट पर खड़ा रहेगा, फिर उसको भी तोड़ने की कोशिश करेगा ये। अच्छी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, तबीयत सही है आपकी? जी जी सर। आज सर मैंने भी आपको 10 मिनट पहले ज्वाइन किया, आपके मार्केट व्यू सुना, मतलब सियासत के हवाले से मुझे हालात चल रहे हैं। तो सर अगर मार्केट इस तरह आपने कहा कि 6 महीने साल भी लग सकता है, तो अभी तो सर पे इसका मतलब हमें क्या बाइंग नहीं करनी चाहिए, या थोड़ा सा मतलब जो सियासी हालात उसका इंतजार करना चाहिए कि आज कोई नया गवर्नमेंट सेटअप बनता है, अगर इलेक्शन होते हैं तो सर पॉसिबिलिटी है मार्केट बिल्कुल नीचे आ जाए, तो उस वक्त हम बाइंग करें सर? मैंने बाइंग अभी बिल्कुल नहीं करा सर, बैठा हूँ बस वेट कर रहा हूँ सर प्लीज। थैंक यू। अगर कैश मौजूद है ना तो बेहतर यह है कि जो अगर आपने कोई अच्छे स्टॉक अपने जहन में रखे हुए कि मैंने ये लेने हैं, तो उनका बॉटम आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ तक नीचे आ सकते हैं ये। अगर फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस की बात करते हैं तो ऑक्टोपस का बॉटम है 60 रुपए का ये, तो अगर आप ऑक्टोपस के अंदर इंटरेस्टेड इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो कम से कम आपको 60 रुपए का जो है ना उसका इंतजार करना जो है हर सूरत बनता ही बनता है ये। अगर आप फॉर एग्जाम्पल सिनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिनर्जी का ये राइट टाइम है आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये अपने बॉटम रेट पर मौजूद है ये। अगर आप वेव स्पेल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये उसके बॉटम रेट है ये। WTL के अंदर करना चाहते हैं ये तकरीबन 150 से नीचे इसके बॉटम रेट है ये, तो जो बॉटम रेट पर आ गए हैं वो तो बिल्कुल सेफ है स्टॉक। अगर जो बॉटम रेट पर नहीं है उनकी अगर आपकी मर्जी है कि जी वो उनको मैंने लेना है, तो उनके फिर बॉटम का आपने इंतजार करना है, तो फिर आप देख लें कि आपने कौन सा स्टॉक लेना है और किस रेट पर आएगा तो आप उसको लेंगे। जी आईफोन के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी आईफोन के नाम से। जी मलिक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सर दो स्टॉक्स के बारे में पूछना था कि आप इसमें एंट्री लेनी चाहिए, एक सर STL है और एक CPHL है, ये तकरीबन 3000 हैं सर, तो थोड़ा सा और लेने का मतलब दो बार लेने का रहता है, तो कब मतलब अभी एक बार अभी एंट्री कर लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए, जैसे आप बताएंगे, क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने आपसे पूछा था तो नंबर आपके व्हाट्सएप पे, तो आपने कहा था थोड़ा वेट कर लेना डिप का। ये दो स्टॉक के बारे में पहली बार आ रहे हैं। एक CPHL, दूसरा कौन सा पूछा आपने? STL सर। STL जी 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 STL जी। जी सर बिल्कुल जो है ना इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है ना, ये स्टॉक बुरे नहीं है, ये स्टॉक बेहतर है ये। अगर आप जो है ना लेकिन लेवल आपको पता होना चाहिए, सिटी फार्मा की क्या अगर हम लोग बात करते हैं तो सिटी फार्मा का जो अभी रिसेंट लो लगा ना वो इसका लेवल बहुत अच्छा है, वो इसका बॉटम रेट हो सकता है ये। जैसे इसका लो लगा हुआ है तकरीबन 29 रुपए का ये, और अभी ये आ गया तकरीबन 32 रुपए 48 पैसे के राउंड अबाउट ये, तो अगर दो चार दिन या अभी वैसे भी रोल ओवर वीक चल रहा है तो उसमें आप मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देख सकते हैं ये। इस प्रेशर में अगर ये सिटी फार्मा जो है 30 रुपए से नीचे नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाए तो बिल्कुल आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, फिर वेट ना करें किसी और नीचे आएगा तो मैं लूँगा, 25-30% लॉस में ले लेंगे। इसके अलावा जो है जो HTL है, HTL जो है थोड़ा सा वेट कर जाए, अभी ये अपने बॉटम रेट पर ही है, 37-38 रुपये का इसका बॉटम है ये। अगर तो ये अपने बॉटम को मेंटेन रखता है और 40 रुपये से ऊपर पर ट्रेड करना शुरू हो जाता है फिर तो उसको आप बाय कर सकते हैं ये। अगर 40 रुपये से ऊपर ट्रेड नहीं करता आने वाले दिनों में और ये 37 रुपये से कहीं नीचे आ जाता है तो फिर बेहतर ये है कि जब ये आ जाएगा तकरीबन 30 और 31 रुपये के दरमियान, 31 से लेकर 32 रुपये आप जहन में रख लें, तो वहाँ पर आप फिर HTL को बेफिक्र होकर फिर जो है ना वो ले लेंगे। जी जी आईफोन आपको अनम्यूट करो दोबारा। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी ये बताएं कि वो BOP और PTC में इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो सकती है?
जी सर बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक अच्छे है ना, लेकिन इनका ऊपर जाना जो है वो काफी स्लो है ये। तो अगर आप बीओपी और इसके अंदर जो है ना पीटीसी के अंदर ही जो है ना वो थोड़े इंटरेस्ट है, तो बेहतर ये कि इनको इनकी जगह कोई और स्टॉक देख लेंगे, जैसे पीटीसी से रिलेटेड स्टॉक जो है ले ले आप। अगर ये 7.38 रुपए का ट्रेड करें ना, एक स्टॉक है टेक्सटाइल सेक्टर में सीटीएम है फॉर एग्जाम्पल, जो अभी तकरीबन 4 पैसे भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उसके अंदर काफी चांसेस है कि वो आपके पैसे डबल कर देगा ये, यानी कि 4 पैसे 7, 7.5, 8 रुपए के करीब ये बड़ी तेजी से जा सकता है ये। उसके मुकाबले में अगर आप पीटीसी लेंगे तो पीटीसी का कोई चांस नहीं है कि वो 14 रुपए पे फौरन जाएगा, ये 8, 9, 7, 8, 9 के करीब करीब ये जाता है, फिर ये इसको जो है वो ब्रेकें लग जाती हैं ये। इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब का भी यही हाल है कि बैंक ऑफ पंजाब से बेहतर ये कि आप कोई और अगर बैंकिंग के अंदर ही आपने लेना है, जैसे आप देखें ना ये छोटा सा बैंक है आज समिट बैंक, वो ठीक ठाक तेज हो गया ये, उसके अंदर काफी तेजी देखी। इसी तरह सिल्क बैंक जो है, अगर आपने बैंक ही लेना है तो सिल्क बैंक जो है वो 1 रुपए के करीब आ चुका है, 1 रुपए 10 पैसे, तो ये स्टॉक ले ले, किसी टाइम भी ये 1 रुपए 70-80 पैसे के करीब चला जाएगा तो आपको मोर देन 70-80%, यानी अगर 1 रुपए 70 पैसे पर चला जाता है तो 70% गेन है, 2 रुपए पर चला जाता है तो 100% गेन आपको ये मिल सकता है, इनके चांस है जल्दी जाने के, नहीं तो बैंक ऑफ पंजाब और पीटीसी में आप फंसे रहेंगे फिर ये। जी लतीफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, क्या हाल है, कैसे दिन है सर। मैं जी ये मैं काफी दिन से नहीं आपका अटेंड कर सका, ये जो WTL के बारे में कुछ बताएंगे, ये आज और भी जब पॉजिटिव थे बाकी सारे तो ये आज और भी नीचे आ गए। जी सर वक्त ही जो है ना सारे नीचे ना, आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं ना, पूरा आईटी सेक्टर ही प्रेशर में है ना, कोई स्टॉक चल नहीं रहा आईटी सेक्टर के अंदर अंदर, तो ये ओवरऑल जो है ये पैनिक क्रिएट किया गया है ना, पूरी मार्केट के अंदर पैनिक है ये, यानी ये मार्केट आपको डरा रही है ये, जिसमें आप देखें ना अगर WTI नीचे आया तो कौन सा टैली ऊपर चला गया ये, या कौन सा TRG ऊपर ट्रेड कर रहा है ये, TRG भी तो आप देखें ना कौन से नीचे रेट पर आया हुआ, 70 रुपए के रेट पर आ गया ये। इसके अलावा जो है ना जो बड़े बड़े इसके स्टॉक है ऑक्टोपस AVN, वो कौन से ऊपर जा रहे हैं, वो भी तो मुसलसल नीचे आ रहे हैं ना, तो ओवरऑल जो है वो IT सेक्टर के अंदर सेलिंग प्रेशर जो है वो जारी है ये, और ये फॉरन की तरफ से सेलिंग जारी है IT सेक्टर के अंदर ये। तो कब तक वो सेलिंग करते रहेंगे सर, एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल वो सेलिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद इन्होंने चलना ही चलना है ये। तो WTL को देख देख कर आप परेशान ना हो, अगर वक्ती ये 1 रुपए पर भी आ जाता है तो वहां पर लेना बनेगा, बेचना जो है वो नहीं बनता ये। तो जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि अगर ये स्टॉक आपने थोड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हुए, और अगर आपने इनका टारगेट जो हमने आपको बताया हुआ 14 रुपए का टारगेट है WTL का, अगर वो आपने अचीव करा है तो कम से कम 3 साल तो आप WTL को देखेंगे ना कि क्या कर रहा है ये। अगर रोज रोज देखेंगे तो रोज रोज तो फिर आपको ये पैनिक ही करता रहेगा ये। जी उफाउल्लाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, दो शेयर्स के मुताबिक पता करना था, एक तो SNGP है और एक मैं भूल गया, चलें अब SNGP का बता देंगे ऐसा। हाँ ये सॉरी SNGP है और अपना क्या कहते हैं ये ऑक्टोपस, तो इसको अभी लेना चाहिए या नहीं। जी जी सर बिल्कुल SNGP तो बिल्कुल लेना बनता है ना, ये SNGP का बहुत अच्छा रेट है ये, आप इसको एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ले सकते हैं ये। वक्त ही अगर कोई 2-4 रुपए और नीचे आ जाता है तो परेशानी वाली बात नहीं है, और इसमें ऐड कर लें, बेचे ना इसको ये। बाकी ऑक्टोपस थोड़ा वेट कर लें, ऑक्टोपस जैसे अभी बताया ना 60 रुपए के करीब करीब लेवल बहुत अच्छे होंगे ऑक्टोपस को खरीदने के लिए, तो वहाँ पर आ जाता है या इवन के 70 रुपए से नीचे नीचे जो है ये ट्रेड करना शुरू हो जाता है, तो बिल्कुल आप अपनी बाइंग के लिए रेडी हो सकते हैं फिर। जी आमिर महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काज साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, बस मैं पहले एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, बताइएगा सही है या गलत। मैंने जब अपने लॉसेस कुछ देखे थे तो मैंने उनको बेच के पैनी शेयर्स ले लिए थे, यानी अब मैक्सिमम मेरे शेयर छोटे हैं, यानी 40% तो मेरे BGL और ANL में इन्वेस्टमेंट है, बस थोड़े से जो बड़े शेयर हैं वो ट्रीट और एक AVN है, वो बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है। अब मेरा यह है कि लॉस होने के बाद अब मेरा लॉस जो है ना आस्ता आस्ता कम हो रहा है, मतलब वो पैनी शेयर नीचे जाके रुक गए, उससे नीचे नहीं जा रहे। अगर मैं ये कहूँ कि पैनी शेयर छोटे इन्वेस्टर्स को पैनी शेयर लेने चाहिए, एक रिस्क तो है कि वो कंपनी बंद हो जाए किसी दिन, लेकिन अदरवाइज क्योंकि इनमें जितनी हवा भरी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है,
जो शेयर 300 का है वो तो 100 पे आ सकता है, लेकिन जो शेयर है ये 18 का वो 10-11 से नीचे क्या आएगा? अब जैसे ANL अब नीचे नहीं आ रहा, 11.5 या इससे नीचे नहीं आ रहा, और इसी तरह BGL भी 7 से थोड़ा कभी नीचे जाता है फिर वापस आ जाता है, 8 पे चला जाता है। तो क्या ये मैं सही नहीं कह रहा कि एक वो रिस्क तो है कि, और कंपनियां बंद कम ही होती हैं देखा जाए तो, जो इतने सालों से चल रही हैं। BGL पता नहीं कब से है, बहुत पुरानी कंपनी, तो बताइएगा क्या मैं सही कह रहा हूँ। जी हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, और इनमें पैसा भी जो खास तौर पर अगर अल्लाह करेगा ये मार्केट बेहतर होगी तो ये जो छोटे स्टॉक है इन्हीं से पैसा बनेगा। ये पैसा जो है बड़े स्टॉक से आपका पैसा नहीं बनता, ये यानी जल्दी पैसा बनाना हो और गारंटी पैसा बनाना हो तो आप पैनी स्टॉक के अंदर बस इन्वेस्टमेंट करें। और अच्छी कंपनी ये सारी जो BGL होगी या इवन के WTL होगी या कोई और कंपनी ANL होगी, सर ये तो जो है ना 10-15 इससे ज़्यादा अरसा हो गया इनको चलते चलते। ये सिर्फ अगर BGL की भी बात करते हैं तो BGL जो है ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, 2007 से चल रही है ये, तो 2007 से अभी तक चल रही है, बंद नहीं हुई ये कंपनी और इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है ये। तो क्या आप इस साल अगर इनको लेंगे तो ये क्या बंद हो जाएगी? जो पिछले 22-23 साल से जो है ना नहीं बंद हुई इसका, वो अभी कैसे बंद हो सकती है ये? तो ये ज़बरदस्त किस्म की यानी कि कंपनीज होती हैं, कंपनीज वो बंद होती हैं जिनके तो वॉल्यूम बहुत लो होते हैं और जो फ्लोट भी नहीं हो रहे होते उनके स्टॉक खासतौर पर, ये गुमनाम सी कंपनीज होती हैं जिनका कोई आगे पीछे पता ही नहीं होता कि क्या होने जा रहा है इनके अंदर। ये जो कंपनियां हैं बलोचिस्तान ग्लास, यूसफ वेविंग, CTM, कोसम, ये तो सर पुरानी कंपनियां, ये किधर बंद होती है? इवन कि आप देखें दो स्टील है कंपनी है, स्टील सेक्टर की कंपनी है, वो पिछले मैं तकरीबन 8-10 साल मुझे पता है कि 8-10 साल से वो डिफॉल्टर लिस्ट में पड़ी हुई है ये, यानी कंपनी बंद है ऑलमोस्ट, उस तरह काम नहीं है उस कंपनी का, काफ़ी इस पर फाइन लगे, काफ़ी इस पर प्रेशर आया इस कंपनी के अंदर, लेकिन उसका स्टॉक बंद नहीं हुआ, स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है उसका ये दो स्टील का। अब दो स्टील की कोई हिस्ट्री उठा के देख ले कि कब से वो डिफॉल्टर लिस्ट में पड़ा हुआ ये, ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाती है, ये कंपनी किधर सर बंद होती है? जैसे बताया कि कंपनियां वही बंद होती हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लंडर नहीं मारती जब तक तब तक वो कंपनी जो है वो बंद नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा ब्लंडर ही होता है कि उनके जो डायरेक्टर्स हैं ओनर्स हैं वो कोड़ियों के दाम इसको बेच कर कहीं चले जाएँ, अदरवाइज कंपनी का जो है वो कुछ भी नहीं होता, कंपनी अपनी जगह पर मौजूद रहती है ये। जी चैट बॉक्स की तरफ आ जाते हैं, चैट बॉक्स में क्या क्या सवाल है ये। जी अब्दुल भाई साहब ने सलाम भेजा, फौला साहब कह रहे हैं जी ट्रीट और SNGP विच वन इज़ बेटर? जी सर दोनों ही बेटर है, ट्रीट का ऊपर यानी कि काफ़ी चांस है कि ये तेज़ी के साथ रिकवर करेगा ये, और इसमें जो है ना आप लोग ये पैनिक ना हो के जी वक्ती ट्रीट क्यों नीचे आ गया, हम तो कहते थे ये 80 रुपये का स्टॉक है, 150 का स्टॉक है, 300 का स्टॉक है। जैसे आप लोगों को बार बार बताया कि हर अच्छी कंपनी के स्टॉक नीचे हैं, ये नहीं है कि ट्रीट नीचे है, SNGP जैसा स्टॉक भी अपने ऑल टाइम लो के करीब तकरीबन ये खड़ा है, ये 30 रुपये से भी नीचे आ गया ये। तो दोनों ही कंपनी बेहतर है और इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे तो ये सारी कंपनी जो है वो बेहतर हो जाएंगी। ये अगर ये वाले हालात ना बनते, जैसे अभी ये पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी चल रही है और ये हुकूमत इसी तरह आराम सुकून से काम करती रहती तो आप देखते हैं कि जो है आराम सुकून से हमारी मार्केट भी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही होती है। जैसे ये बार बार हम कहते हैं कि जो बड़ा प्लेयर है उसको पहले से काफ़ी अंदर की खबरें पता चल जाती हैं, तो वो कोई और चीज़ें देख रहा होगा कि जिसकी वजह से उस अभी तक उस तरह के मार्केट उठाई नहीं है ये, तो जब उसको सारा सी सिचुएशन क्लियर नजर आएगी तो आप देखेंगे कि कैसे वो मार्केट उठाता है ये। जी नदीम साहब कह रहे हैं AVN और NRL का बाइंग जोन, सर AVN जो है जब ये तकरीबन 60 रुपये या इससे नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाए इसको भी आप बाय कर सकते हैं, और नेशनल रिफाइनरी 200 रुपये से नीचे बिल्कुल ये अपने बाइंग जोन में ही 200 रुपये से नीचे नीचे ये बहुत अट्रैक्टिव है, अभी ये 190 पर आ गया है तो इसको बिल्कुल लेना बनता है ये, अगर कहीं और नीचे आ जाए तो और ऐड करना बनेगा, बेचना नहीं बनेगा ये। जी अभी रियाज साहब कह रहे हैं कि टैली का बाइंग जोन, टैली सर अभी जिस तरह ये नीचे आ रहे हैं ना तो 8 रुपये पर चांस है कि ये रुके, ये अगर 8 रुपये पर नहीं रुकता तो फिर ये 6 रुपये के करीब कहीं आएगा तो वहाँ पर इसकी बाइंग बनेगी। फिलहाल अभी इसको बाय ना करें टैली को जब तक ये 11 रुपये से ऊपर नहीं चला जाता या 5-6 रुपये पर नहीं आ जाता ये। समीउल्लाह साहब कह रहे हैं अटक रिफाइनरी करना रेट पर परचेज कर सकते हैं, अटक रिफाइनरी सर ये भी इन्वेस्टमेंट वाला एक अच्छा स्टॉक है, अगर ये कहीं थोड़ा और नीचे आ जाए 100 रुपये से नीचे नीचे तो ये बहुत अट्रैक्टिव है अटक रिफाइनरी, ये चांस है कि ये जैसे अभी 121 रुपये से नीचे आया तो अभी ये आएगा तकरीबन 111 रुपये के करीब करीब और उसके बाद ये 80-85 रुपये के करीब एक दफ़ा लो लगा सकता है ये, तो वो इसके बेस्ट लेवल हो गए अटक रिफाइनरी को बाय कर देगा ये। जी अयाज साहब कह रहे हैं जर्मनी से PSO टू बाय, PSO सर बिल्कुल लिया जा सकता है, PSO वो स्टॉक है जिसकी अर्निंग बेताशा अर्निंग इसने दी है ये, और हम इसी अर्निंग के बेस पर कह सकते हैं कि PSO का फ्यूचर बहुत अच्छा है ये, वक्ती थोड़ा सा वेट कर जाए जैसे मार्केट की करंट सिचुएशन चल रही है उसमें PSO
को थोड़ा सा नीचे आने दें, तकरीबन 145 रुपए के करीब करीब, तो वहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पीएसओ के अंदर करना शुरू कर देंगे। जी काजी आलम साहब कह रहे हैं कि पहल 35 का लिया था और वेव 27 का नुकसान ज्यादा है, क्या कर रहे थे सर? यहाँ पर अभी आपने 35 का लिया हुआ तो या तो 32 रुपए का था तो बेच देना था, 27 का वेव 25 रुपए पर बेच देना चाहिए था, अब वहां पर नहीं बेचा तो बेहतर ये है कि आप अब थोड़ा सब्र करें और ये नुकसान आपका पूरा हो जाएगा। इसकी आप टेंशन ना लें कि ये क्या मेरा नुकसान पूरा होगा या नहीं होगा, इंशाल्लाह आपका नुकसान पूरा हो जाएगा। ये पहल का भी बता दिया, पहल के रेट काफ़ी यानी कि हाई रेट थे बाजी में, ये तो ये सारे स्टॉक अपने बाजी के रेट को लाजमी टच करेंगे। जी सैयद इरफान साहब कह रहे हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट सिस्टम लिमिटेड एज अराउंड 50% डिविडेंड एंड 100% बोनस, शुड वी इन्वेस्ट इन इट एट दिस स्टेज? सर मेहरबानी, इसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जब ये एक्स हो जाएगा, एक्स होने के बाद 300-350 रुपये पर आ जाएगा, वहाँ पर आप बेशक इसको लेना तो ले नहीं है। जी अलशेर 15.50 का लिया था, क्या कर रहे हैं सर? इसको होल्ड ही करें? अलशेर अभी 10-12 रुपये के करीब करीब मेरा ख्याल ट्रेड करा है, इवन के 10 रुपये इसके करीब होगा ये, आज इसका करंट रेट है 10.12 रुपये का ये। तो वक्ती सर फिलहाल थोड़ा सा ये आपको पैनिक कर रहा है, पैनिक हर स्टॉक आपको कर रहा होगा, तो बेहतर ये कि सब्र करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। जिशान साहब कह रहे हैं, सरल का बता दे क्या लगता है कितना डाउन जा सकता है? सर 90 रुपीस के चांस है, 90 तक ये आ सकता है, इससे नीचे आने के इसके चांस नहीं है ये, तो बेहतर ये कि 90 का इंतजार ना किया जाए, 100 रुपए के करीब करीब 90 से 110 रुपए के करीब करीब इसको ले लिया जाइए। जी जलाल साहब कह रहे हैं, ट्रीट का स्टॉप लॉस कैसा ट्रीट अपने बाइंग जोन में, यहाँ पर इसके अंदर बाइंग करें जितनी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस की टेंशन ना लें कि कहाँ पर बेचूँ और निकल जाऊँ ये। जी ट्रीट के अंदर पैसा लगाना बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, ट्रीट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रेड जो है वो चांद ही नायाब कंपनी में शामिल आई है। सिराज साहब कह रहे हैं कि यूसफ एवी का बॉटम एंड टॉप कैसे निकालते हैं, प्लीज़ बता दें। सर ये जो है ना बॉटम आप देखें ना, अभी जो मार्च 2020 में यूसफ एवी ने अपना बॉटम बनाया था 3-3.5 रुपये का, वो इसका बॉटम है, और हाई जो अभी रिसेंट इसने हाई लगाया हुआ है 10.66 रुपये का, वो इसका हाई रेट है ये, तो 4 रुपये से नीचे यूसफ एवी को ले लें, अच्छी इन्वेस्टमेंट बनेगी अगर आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी है ये, और 10 रुपये के करीब भेज दें इसको ये। जी अभी रियाज साहब कह रहे हैं, सर इमेज का जो है ना बाइंग लेवल, इमेज सर अगर ये आ जाता है जो है ना तकरीबन 13 रुपये से नीचे नीचे, तो बिल्कुल उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। अभी ये 15.71 रुपये पर है, 14.46 रुपये की इसकी सपोर्ट है, जो ये सपोर्ट टूटेगी तो ये आ जाएगा तकरीबन 13 रुपये से नीचे नीचे, तो 13 रुपये से नीचे नीचे आप इसके अंदर जो है अगर इंटरेस्टेड है इमेज के अंदर तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं ये। ये थी हमारी ओवरऑल मार्केट, ये आप लोगों के लिए तजर्बा भी है ना, ये जैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो ये आप कहीं डायरी में लिखें इसको, ये चीज़ें भूलें ना। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हुकूमत पर ये जो हालात आए हुए हैं तो ये मुस्तकबिल में भी ऐसा होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ ये कि हुकूमत के खिलाफ जो है वो जो है ना अदम एतमाद पेश हुआ या हुकूमत प्रेशर में आई ये, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट क्या करती है, ये मार्केट कब से करेक्शन ले रही है, मार्केट का बिहेवियर कैसा है, वॉल्यूम कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। फिर आगे जब 4-5 साल के बाद या 6-8 साल के बाद ये मार्केट दोबारा अपने आप को दोहराएगी ये, तो उसमें आपको ये सारी सिचुएशन का पता होना चाहिए कि ऐसे जब हालात होते हैं, इंडेक्स अपनी जगह पर रहता है, स्टॉक काफ़ी डिस्काउंट पर हो जाते हैं, तो ऐसे में स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए ये। तो जब 1-2 साल गुजर जाएंगे और ये स्टॉक आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ ये मोर देन 100% से ऊपर ऊपर आपको ये सारे स्टॉक नजर आएंगे, ये आज से 1-2 साल के बाद ये स्टॉक यहाँ पर खड़े नहीं होंगे, ये काफ़ी बेहतर पोजीशन पर आपको नजर आएंगे, तो उसमें आपने क्या किया ये, क्या आप इन स्टॉक को बॉटम रेट पर पकड़ने में कामयाब हुए नहीं हुए, किन स्टॉक में आपका पैसा फंसा हुआ था और कौन से स्टॉक चले, क्या आपके स्टॉक चले या नहीं चले, तो ये सारी आपकी लर्निंग भी है कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है ये। जैसे हम आपको बार बार कहते हैं कि जो है या तो इन्वेस्टमेंट करनी है बॉटम से करनी है या मार्केट के अंदर पैसा लगाना है तो पहले थोड़े पैसे के साथ एंट्री लेनी है, फिर ऐसा ऐसा पैसा आपने बढ़ाना है ये, तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी कि हमने किस में क्या गलती की और ऐसी सिचुएशन में अगर क्या होता तो हम क्या किसी बेहतर सिचुएशन में आ सकते थे ये, या अगर 6 महीने पहले हम पैसा निकाल के साइड पर बैठ जाते तो आज अगर पैसा लगाते तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता, या 6 महीने पहले जो स्टॉक हमने लिए वो थोड़ी कम क्वान्टिटी में लेते और अगर नीचे आ जाते हैं या तो फौरन बेच देते या फिर अगर नीचे कितने लेवल पर आते तो हम इसके अंदर मजीद ऐड करते ये, इसकी क्या हमने पहले से प्लानिंग की है या नहीं की है, और आगे फ्यूचर में अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई फिर सिचुएशन आ जाती है आज से 4-5 साल के बाद तो क्या मैं ज़हनी तौर पर तैयार रहूँगा या नहीं रहूँगा ये, या ऐसी सिचुएशन रहेगी मेरे अंदर जो है ना पैनिक वाली ये। तो अमूमन देखा ये गया है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है और थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो लोग अपना माल औने पौने बेच कर कहते हैं जी स्टॉक मार्केट से हम लोग जान छुड़ाते हैं और ये वाकई ऐसी गंदी चीज़ है ये, फिर 6 महीने 2 साल के बाद वो लोग वापस भी आ जाते हैं जब मार्केट बहुत हाई बना चुकी होती है, ये भी मैं आपको बता दूँ,
और वो फिर ऊपर के लेवल पर लेकर फिर ट्रैप हो जाते हैं और फिर वो अपना पैसा बर्बाद कर चुके होते हैं। ये या तो जो है अभी बेचना बनता कोई नहीं है किसी भी स्टॉक को, अब मार्केट से निकलना बनता नहीं है, तो हर वो बंदा जो है या मेरा मेंबर है या मुझे सुनता है, तो बेहतर ये कि जहाँ पर आपने इतना दिल जिगरा रखा मार्केट के अंदर अभी तक आप बैठे हुए हैं, तो मेहरबानी करें 6 महीने साल और भी मार्केट के अंदर बैठे रहिए, टेंशन परेशानी ना करें। वक्ती जो है मार्केट प्रेशर में है, मार्केट पैनिक में, वॉल्यूम लो है, आपसे माल मार्केट छुड़ा रही है, तो बेहतर ये है कि अगर आपने अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो अपना पैसा पड़ा रहने दें बस, तो आप देखेंगे जब ये मार्केट रिकवर करेगी। और ऐसा नहीं होगा कि मार्केट रिकवर नहीं करी, मार्केट क्यों नहीं रिकवर करी, जब कोविड की वजह से मार्केट 28,000 के लेवल पर आ गई थी, हर स्टॉक बॉटम रेट पर आ गया था, एवीएन जैसा स्टॉक 20 रुपये पर आ गया था, ट्रीट जैसा स्टॉक 10 रुपये पर आ गया था, तो उसके बाद इन्होंने अपनी हाई भी लगाई, जैसे ट्रीट 10 रुपये से 60 रुपये पर गया, एवीएन 20 रुपये से 140-145 रुपये पर गया, तो ये क्यों नहीं जाएंगे ऊपर स्टॉक। तो आप तसली रखें, इंडेक्स ने वापस ऊपर जाना है, मार्केट ने भी ऊपर जाना है, सिर्फ वक्त थोड़ा सा आपका लग सकता है। ये अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को आज की इस लाइव सेशन के साथ इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।